नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। शहर के प्राचीन कालीन भूतेश्वर महादेव मंदिर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। इस दौरान मंदिर के सेवायत ने जानकारी देते हुए बताया, देखिए मथुरा शहर के भूतेश्वर नाथ महादेव जी के मंदिर से गुरु पूर्णिमा पर सोमवार को विशेष कवरेज कृष्णा गुप्ता के साथ। इस दौरान मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने आई एक गृहिणी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भूतेश्वर नाथ महादेव जी की महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। भूतेश्वर नाथ महादेव जी की जो पूजा अर्चना करता है, उनसे जो भी मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मथुरा शहर के भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। दूर दराज से आए भक्त जन भूतेश्वर नाथ महादेव जी की पूजा अर्चना करने देखिए मथुरा शहर के भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर से। आरपीएस समाचार जिला संवाददाता कृष्णा गुप्ता के साथ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप देख रहे हैं पूजा का भी और आज सोमवार का भी दिन काफी भक्तों का तांता लगा हुआ है। और गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शिव महागुरु है और संपूर्ण जगत के विश्व के वही गुरु माने जाते हैं सर्वप्रथम। और आज उनकी पूजा करने के लिए भक्तों का तांता लग रहा, भारी भीड़ सैलाब में लोग आ रहे हैं और शाम को भी बाबा के श्रृंगार के मंगला और बर्फ का मंगला लगे और ये सभी लोग भक्तों को दर्शन करके अपने जीवन को सफल मनाएंगे। और सभी से अनुरोध है कि अगला सोमवार जो है आपका वो सावन का सोमवार है, इस बार सावन में अधिकार है, इस बार से दो सावन हो रहे हैं और दो सोमवार में आठ सोमवार पूरे हो रहे हैं। आठ सोमवार में भक्तों का लगातार तांता लगा रहेगा, सही भक्त जो भगवान भूतेश्वर मालिक का। क्या महंता है भूतेश्वर बाबा की? भूतेश्वर बाबा जो है ब्रज हमारे मथुरा शहर के कोतवाल हैं और केदारनाथ की उपलिंग है। भारत के अंदर द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं और उनके नौ ज्योतिर्लिंग हैं। शिवपुराण में 21 लिंगों का लेख है, उसमें से भूतेश्वर महादेव हैं। हिमालय प्रकार पहाड़, हिमालय के पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। यहाँ केदारनाथ उपस्थित हैं उत्तराखंड के अंदर, तो वहाँ उत्तराखंड में जा करके अगर कोई भगवान भूतेश्वर महादेव की दर्शन कर लेता है तो उसको केदारनाथ का फल मिलता है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।